मध्य प्रदेश में नौतपा का दौर जारी है, जहां इंदौर में डॉक्टरों ने सकारात्मक सोच के साथ चौराहे पर ड्यूटी कर रहे यातायात कर्मियों को लू और गर्मी से बचने की महत्वपूर्ण जानकारी दी। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। राजधानी भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर इंदौर के सामाजिक संगठनों ने आगे आकर लोगों को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं। वहीं शहर के कुछ डॉक्टरों ने यातायात कर्मियों को लू से बचने के लिए पानी सहित अन्य संसाधनों का उपयोग करने का आग्रह किया है। कुछ ऐसा ही कदम डॉक्टर जय कुकरेजा की ओर से उठाया गया, जहां शहर की यातायात संभाल रहे पुलिस कर्मियों को डॉक्टरों की टीम ने लू और गर्मी से बचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जी बिल्कुल, जैसा कि इंदौर में 7-8 साल में पहली बार इतनी भीषण गर्मी है, और इसके लिए यातायात पुलिस को भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन श्रीमान डीसीपी ट्रैफिक अरविंद तिवारी सर, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यातायात के जवानों को भी सलाह दी गई है कि यातायात व्यवस्था तो हमें करना है और साथ ही अपना भी बचाव करना है। इसके लिए अधिकारियों द्वारा जवानों को इलेक्ट्रोल पाउडर और होम्योपैथी दवाई और भी जो है पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह भी दी है। साथ ही जो दोपहर के समय जब ट्रैफिक कम होता है तब कुछ जवान रेस्ट भी कर सकते हैं, बाकी हमें अलर्ट मोड़ पर रहना है। कहीं दुर्घटना हो या आकस्मिक कोई मूवमेंट हो तो हमें बिल्कुल तत्परता से यातायात संभालना है। अब जैसे कि हमने 11:30 बजे से 4:30 बजे तक हमारी सुरक्षा के लिए नहीं, आम लोगों को भी भीषण गर्मी में इसका सामना नहीं करना पड़े, इसलिए 11:30 बजे से 4:30 बजे तक जो ट्रैफिक सिग्नल का जो टाइम है उसको सिंक्रोनाइज किया है, टाइमिंग कम किया है, जिससे वाहन चालकों को भी करीब 1 मिनट तक जो ज़्यादा रुकना पड़ता था वो कम रुकना पड़ रहा है। और 4-5 दिनों में हमने ये भी देखा कि इससे उन्हें फ़ायदा ही मिला है, किसी तरह की यातायात की समस्या भी नहीं आई है। जी बिल्कुल, पूरी अगर सलाह का जो सार है वो सार यही है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, जो डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होना है, और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान में रखते हुए जो लोग हैं आम नागरिक हैं उनके लिए सुगम यातायात और उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। वहीं डॉक्टरों की ओर से दी गई जानकारी को लेकर ट्रैफिक पुलिस सुमंत सिंह ने कहा कि शहर के जागरूक डॉक्टरों की ओर से लू और गर्मी से बचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों की ओर से भी शहर की जिम्मेदारी निभाते हुए लू से बचने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इंग्लैंड से आए, छोटे काम नहीं कर रहे, 50-60 साल से तो जब खा के निकलेंगे तो जो लू के इफेक्ट्स होते हैं, सिर दर्द होना, बुखार होना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना, ये सब आपको नहीं आए, प्रोफाइलेक्टिक रूप से यह ऐसे लिया जा सकता है। इसका दूसरा एक्शन है क्यूरेटिव। यदि किसी को लू लग गई है, जिसे दवाई नहीं खाई जिसको लू लग गई है, तो दो दो घंटे आप 3-4 डोज देंगे तो जो लू के सिम्टम्स हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन से 25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 25 साल से जितने भी लोगों को दिया है वो बार बार हर दिन हमसे मांगने आते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो शहर में तेज गर्मी के बाद यातायात कर्मियों को लू और गर्मी से बचने के लिए पुलिस कर्मियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।